हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रुप डी के रिगार्डिंग रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग अनुपात व समान अनुपात का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इफ़ ए अनुपात बी इज 2:3 एंड बी रेशियो सी 4:5, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले 2:3, उसके बाद उसके नीचे 4:5। ये 3 है, इसको यहाँ लिखना है। ये 4 है, इसको यहाँ पर। तो ये निकल कर अब आ जाएगा हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। 4 × 2 जा 8, 3 × 4 12 एंड 3 × 5 15। तो ये हमारा आ गया ए रेशो बी रेशो सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3 एंड सी रेशो डी इज इक्वल टू 3:4, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो एंड डी। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 1:2, उसके बाद 2:3, उसके बाद 3:4। तो ये 2 है, इसको यहाँ लिखो। ये 2 यहाँ लिखो, ये 3 यहाँ लिखो, इसको इधर, ये 2 और ये 3। तो हम निकाल देंगे अब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो 1 × 2 × 3 = 6, 2 × 4 × 3 12, 9 × 2 = 18, 24। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। उसके बाद 1:2:3:4। तो ये हमारा क्या आ गया? ए रेशो बी रेशो सी एंड रेशो डी। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 4:, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 4:3 समान अनुपात 12:4। ये जो है इसका मतलब होता है रेशियो। और उसके बाद जो ये दिया होता है इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल टू भी कर सकते हैं हम, और रेशियो मीन्स डिवाइड। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? जो ये 4 होता है उसको x से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 × x, ये जो बार वाले होते हैं, 4 × x × 3 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू होता है, तो इज इक्वल टू 3 × 12, 3 × 12। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3 × 12/4। तो ये कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 9, जो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ 16:x प्रोपोर्शन x:49। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 16 × 49 करेंगे। तो 16 × 49 इज इक्वल टू, इन दोनों को x × x, x² यहाँ से x² हटाएंगे तो 49 × 16 का अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट 4 होता है और इसका 7x। तो x क्या आ जाएगा? 4 × 7 = 28,
हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू नंबर इन द रेशियो 2 एंड 3, दो नंबर हमें 2 एंड 3 के अनुपात में दिए हुए हैं, एंड देयर सम इज 50, देन फाइंड द नंबर्स। तो उन दोनों का सम क्या है? 50। तो हम ये देखो, इसको ये 50, इन दोनों का जोड़ है ना, सम है, और इन दोनों का जोड़ क्या है? 5। तो हम इनके अकॉर्डिंग जो सम है 50 है, हमारे अकॉर्डिंग सम है 5 है। तो सम इज इक्वल टू सम कर लिया, 5 इज इक्वल टू 50 है, तो 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 10 है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, और सेकंड नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। तो ये दो नंबर आ गए हमारे, इनका सम क्या है? 20 इंटू 3 30 50। तो हमारे दो नंबर निकल कर आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ टू नंबर इन द रेशियो 7 एंड 9, द वन नंबर इज ग्रेटर देन द अदर बाय 10। इसका क्या मतलब है? दो नंबर हमें जो 7 और 9 के अनुपात में दिए हुए हैं, इनमें से जो पहला नंबर है वो दूसरे से 10 ज्यादा है। अब ये यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर अधिक हो, ज्यादा है, कम हो, या दोनों का अंतर अधिक हो कम हो, तो वो क्या होता है? दोनों का अंतर ही होता है। तो इनके अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 10, और हमारे अकॉर्डिंग 9 और 7 का अंतर 2। तो अंतर बराबर अंतर करो, 2 इज इक्वल टू 10, तो 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारा पहला नंबर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 5 35, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 5 45। तो ये हमारे दो नंबर है, और दोनों का अंतर क्या है? मीन्स जो दूसरा नंबर है पहले से 10 ज्यादा है। जो हमें दिया होता है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ टू नंबर इन द रेशियो 4 एंड 5, दो नंबर है जो 4 और 5 के अनुपात में दिए हुए हैं, देयर डिफरेंट इज 15। तो दोनों का अंतर क्या है? 15। तो इनके अकॉर्डिंग अंतर क्या है? 15, और हमारे अकॉर्डिंग अंतर क्या है? 5 और 4 का 1। तो 1 बराबर 15 है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 15 16 आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 15 75। तो दो नंबर हमारे 60 और 75, और इन दोनों का डिफरेंट क्या है? 15। इसी अकॉर्डिंग ये इस तरह करना होता है, जो ए रेशो बी दिया होता है ना, इसका मतलब तो डिवाइड होता है, और जो समान अनुपात होता है प्रोपोर्शन, ये होता है इज इक्वल टू एक्स अनुपात वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाय बी, इसका मतलब होता है बराबर, इसका मीन्स एक्स बाय वाई। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। ये जो रिलेशन है हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए अनुपात बी समान अनुपात एक्स अनुपात वाई। तो पहले इसको इससे करो, ए इंटू वाई आ गया, इसका मतलब है बराबर, फिर इन दोनों को कर दो, तो ये ए की बात है, तो बी इंटू एक्स। तो ये दो जो इक्वेशन है ये सेम है, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। थैंक यू।